संक्रमण के खतरे को लेकर पीएम मोदी की अपील पर 22 मार्च यानी आज जनता कर्फ्यू का आरजेडी के कई नेता नौटंकी और अघोषित आपातकाल बता रहे हैं। वहीं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इसको लेकर लोगों को जागरूकता फैलाने पर सड़क पर उतर गए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और सुरक्षा को लेकर शनिवार को तेज प्रताप यादव ने पटना में स्टेशन रोड के पास लोगों को खुद से मास्क पहनाया। इस दौरान उन्होंने खुद भी मास्क पहन रखा था। राजद कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए हेल्थ कैंप में आम लोगों के साथ ही उन्होंने राजद कार्यकर्ताओं को भी मास्क पहनाया और उनके हाथ भी साफ कराए। इस क्रम में उन्होंने लोगों में साबुन भी बांटे और स्वच्छता को अपनाकर कोरोना को हराने की अपील भी की। तेज प्रताप ने लोगों से डरने नहीं बल्कि लड़ने की अपील की। वहीं बिहार सरकार से भी लोगों के बीच निःशुल्क मास्क और सैनिटाइजर बांटने की मांग की। इसके बाद वे वीरचंद पटेल रोड स्थित राजद कार्यालय भी गए और वहां भी उन्होंने मास्क बांटे। इस मौके पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नहीं जनता के साथ खड़े हैं। पार्टी दफ्तर में लोगों के बीच मास्क साबुन और सैनिटाइजर बांटते हुए तेज प्रताप ने प्रधानमंत्री से आह्वान को गलत बताते हुए कहा कि कर्फ्यू से ज्यादा जरूरी है लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना, मेडिकल कैंप लगाना, ना कि कर्फ्यू लगाकर और ज्यादा लोगों को भयभीत करना। आज जनता कर्फ्यू को आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने भी नौटंकी करार दिया। उन्होंने कहा था कि यह बेवजह नौटंकी की जा रही है, इससे कोरोना ठीक नहीं होगा। वहीं पार्टी के विधायक भोला यादव ने भी इसे अघोषित आपातकाल कहते हुए विरोध किया। तो आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट 9 भोजपुरी के लिए सुरभि की रिपोर्ट।